मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2023 के सीजन को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है और मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल 2023 के सीजन से पहले और आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले अपने जो अनकैप खिलाड़ियों के लिए यूके में प्रैक्टिस कैंप लगाया है। और अभी तक मुंबई इंडियंस की टीम का जो प्रैक्टिस कैंप है यूके में, उसमें मुंबई इंडियंस की टीम के जो खिलाड़ी उन्होंने अभी तक के 8 मैचेस वार्म अप के खेल लिए। जी हाँ दोस्तों, एमआई की टीम के जो अनकैप खिलाड़ी है वहाँ पर वार्म अप मैचेस यूके में खेल रहे हैं और अभी तक कैसा परफॉर्मेंस रहा उन खिलाड़ियों का, तो सारी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। तो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आखिर कौन से खिलाड़ी ने कितने रन्स बनाए हैं इन 8 मैचों में और कौन से खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं और कौन से खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाए हैं, तो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खास कराई पर वीडियो हमारे कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पहले एमआई की टीम का जो प्रैक्टिस कैंप है यूके में, उस प्रैक्टिस कैंप में जो वार्म अप मैचेस खेले जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा विकेट्स कौन से गेंदबाज ने लिए। तो सबसे ज्यादा विकेट वहां पर दोस्तों अर्जुन तेंदुलकर ने लिए। जी हां दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर ने 8 मैचेस खेलते हुए 17 विकेट्स लिए। जी हां दोस्तों, काफी अच्छा परफॉर्मेंस अर्जुन तेंदुलकर ने गेंद से किया था यूके में। तो अर्जुन तेंदुलकर अब हमें आईपीएल 2023 के सीजन में एमआई की टीम की प्लेइंग 11 में भी खेलते हुए देख सकते हैं। वैसे आप लोगों के अकॉर्डिंग एमआई की टीम को आईपीएल 2023 के सीजन में अर्जुन तेंदुलकर को मौका देना चाहिए या फिर नहीं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे ज्यादा विकेट वहां पर दोस्तों जो यूके में मुंबई इंडियंस की टीम के अनकैप्ड खिलाड़ियों के वार्म अप मैचेस हुए उसमें सबसे ज्यादा विकेट अर्जुन तेंदुलकर ने लिए। कुल 17 विकेट अर्जुन तेंदुलकर ने लिए 8 मैचों में खेलते हुए। और दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम के प्रैक्टिस कैंप से रिलेटेड जो अपडेट थे वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहे थे। डेली के डेली आपको टेलीग्राम चैनल पर सारे अपडेट मिलने वाले, तो आप जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में इजिली मिल जाएंगी। अगर वो लिंक काम नहीं करते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कर लीजिए ओनली ऑन क्रिकेट ऑफिशियल, तो वहाँ पर आपको हम मिल जाएंगे। तो आप जरूर से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम से रिलेटेड भी काफी सारे अपडेट्स मिलते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर कौन से खिलाड़ी ने उन वार्म अप मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाया एमआई की टीम के युवा खिलाड़ी ने। तो दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम निकल कर आता है डेविड ब्रेविस। जी हाँ दोस्तों, डेविड ब्रेविस काफी अच्छा परफॉर्मेंस वार्म अप मैचों में भी कर रहे हैं और डेविड ब्रेविस अब सीपीएल के लिए भी चुने गए, तो सीपीएल में भी हमें डेविड ब्रेविस खेलते हुए दिखने वाले और डेविड ब्रेविस से ऐसी पोजीशन की उम्मीद रहने वाली है सीपीएल की टीमों को भी कि सीपीएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस करे। और अगर ये खेल लेते हैं तो काफी इससे मजबूत हमें डेविड ब्रेविस आगे भी खेलते हुए दिखने वाले। अगर सीपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो एमआई की टीम के लिए भी हमें फ्यूचर में और आईपीएल 2023 के सीजन में ब्रेविस अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखने वाले। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर कौन से खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सक्सेस लगाया उस वार्म अप मैचों में, जो 8 वार्म अप मैच हुए उसमें सबसे ज्यादा छक्के कौन से खिलाड़ी ने लगाए। तो दोस्तों वहां पर सबसे ज्यादा सक्सेस अनमोलप्रीत सिंह ने लगाए। जी हाँ दोस्तों, एक खिलाड़ी काफी गजब का खिलाड़ी और खिलाड़ी ने काफी सारे सक्सेस उस मैच में लगाए, उस वार्म अप मैचों में लगाए। हालांकि अभी तक कितने सक्सेस लगाए इनका आंकड़ा निकल कर सामने नहीं आया, जैसे ही पता चलता है कि उन्होंने 8 वार्म अप मैचों में अनमोलप्रीत सिंह ने कितने सक्सेस लगाए, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो सबसे पहले अपडेट मिलने वाला है। वैसे आपके अकॉर्डिंग मुंबई इंडियंस की टीम को आईपीएल 2023 के सीजन में कौन से युवा खिलाड़ी को अपनी टीम के प्लेइंग 11 में जगह देनी चाहिए, तो आप अपना कमेंट जरूर करें। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।